हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2006 में आई जर्मन थ्रिलर मूवी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ ए मर्डरर। मूवी की शुरुआत में हमें एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन बैप्टिस्ट ग्रीनवेल होता है। तभी जेल के गार्ड आते हैं और जॉन को घसीटते हुए बाहर बालकनी में लेकर जाते हैं। वहां बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है जो उस कैदी को देखते ही उसे भला बुरा कहने लगती है। फिर जेलर सजा का ऐलान करता है और कहता है कि कल सुबह जॉन को फांसी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर 12 जगह से उसकी हड्डियों को तोड़ा जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ खुशी मनाने लगती है। उसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक पेरिस के मछली बाजार को दिखाया जाता है जहां एक महिला मछली बेच रही होती है। तभी उसे एक बच्चा पैदा होता है। वह उसे मरा हुआ समझकर पास में ही कूड़े के ढेर में फेंक देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह बच्चा रोने लगता है। तो वहां मौजूद लोगों को वह बच्चा दिखाई दे जाता है और उन्हें लगता है कि उस महिला ने जानबूझकर उस बच्चे को मारने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए वहां मौजूद लोग उस महिला को भला बुरा कहने लगते हैं। उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है। उसके बाद उस लड़के को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। असल में यह लड़का जॉन ही होता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अनाथालय के दूसरे बच्चे जॉन को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पहले से ही बहुत कम जगह होती है और वह बच्चे नहीं चाहते थे कि उनमें से किसी की जगह छीन जाए। लेकिन तभी वहाँ अनाथालय की मालकिन आ जाती है और वह जॉन को बचा लेती है। धीरे धीरे जॉन 5 साल का हो जाता है, फिर भी वह बोलता नहीं है, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है और वह बहुत दूर से स्मेल करके ही पता कर लेता है कि वह कौन सी वस्तु है। जब जॉन 13 साल का हो जाता है तो अनाथालय की मालकिन उसे एक खाल बेचने वाले को बेच देती है, लेकिन उसके बेचने के थोड़ी देर बाद ही कुछ लुटेरे अनाथालय की मालकिन को मारकर उसके पैसों को लूट लेते हैं। इसके बाद जॉन अपने नए मालिक के यहाँ काम करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब जॉन एक नौजवान बन जाता है। फिर एक दिन जॉन का मालिक उसे अपने साथ बाजार में खाल बेचने के लिए लेकर जाता है। बाजार में जॉन को बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू आती है। तभी अचानक जॉन को एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है और वह उसकी ओर खींचा चला जाता है। यह खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। जब जॉन उस लड़की के पास जाता है तो वह लड़की समझती है कि वह भूखा है, इसलिए वह उसे कुछ फल देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को सूंघने लगता है, जिससे वह लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जॉन के पास स्मेल करने की विशेष क्षमता होती है, इसलिए वह उस लड़की को फिर से ढूंढ लेता है। जॉन को देखकर वह लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसके मुंह को दबा लेता है ताकि उसकी आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठे ना हो जाएं। लोगों के वहां से जाने के बाद जब जॉन उसके मुंह से हाथ हटाता है तब तक वह लड़की मर चुकी होती है। जॉन उसे जमीन पर लेटाकर फिर से उसके शरीर से खुशबू को सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे उसके शरीर से कोई खुशबू नहीं आती है। इससे जॉन बहुत ही परेशान हो जाता है। जॉन उस लड़की को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है, लेकिन वापस आने के बाद भी वह बेचैन रहता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी खुशबू महसूस नहीं की थी। इसलिए अब वह निश्चय करता है कि वह कोई ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे वह किसी भी खुशबू को हमेशा के लिए संरक्षित कर सके और जिससे उसे फिर से कभी परेशान ना होना पड़े। फिर हमें एक परफ्यूम विक्रेता बालदिनी को दिखाया जाता है जो एक समय पर पेरिस के मशहूर परफ्यूम विक्रेता था, लेकिन अब कंपटीशन की वजह से उसकी दुकान पर कोई नहीं आता है। एक दिन जॉन बालदिनी के यहाँ खाल की डिलीवरी देने के लिए जाता है तो वह वहाँ खुशबू सूंघकर पता लगा लेता है कि वह एक परफ्यूम का व्यापारी है।
जॉन उसे बताता है कि उसके पास सूंघने की विशेष क्षमता है और जॉन उसे यह भी बता देता है कि वह कौन सा परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है। जॉन बालदिनी से कहता है कि अगर वह उसे इजाजत दे तो वह उसके लिए उस परफ्यूम को बना सकता है। बालदिनी पहले तो उसकी बात को मजाक समझता है, लेकिन बाद में वह जॉन को परफ्यूम बनाने की अनुमति दे देता है। जॉन थोड़ी देर बाद में ही उस परफ्यूम को बना देता है। बालदिनी उसके काम से प्रभावित हो जाता है। जॉन उसे बताता है कि वह इससे भी बेहतर परफ्यूम बना सकता है। फिर जॉन एक ऐसा परफ्यूम बनाता है जिसे सूंघकर बालदिनी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए दिन याद आ जाते हैं। अगले दिन बालदिनी जॉन को उसके पुराने मालिक से खरीद लेता है। जॉन को बेचने के बाद ही उसके पुराने मालिक की मौत हो जाती है। जॉन के साथ एक खास बात होती है जो भी उसे अपने से दूर करता है, कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जॉन बालदिनी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परफ्यूम बनाता है, जिससे एक बार फिर से बालदिनी पेरिस में मशहूर हो जाता है। बालदिनी जॉन को बताता है कि किसी परफ्यूम को बनाने के लिए 12 तरह के खुशबू प्रयोग में लाई जाती है, जिनमें से पहली 4 जिनका इम्प्रेशन इंसान के दिमाग पर पड़ता है और उसका असर कुछ मिनट तक ही रहता है। उसके बाद दूसरे 4 जिनका इम्प्रेशन इंसान के दिल पर पड़ता है, उनका असर कुछ घंटों तक रहता है, और आखिरी 4 जिनको बेस कोड कहा जाता है, उनका असर इंसान पर कई दिन तक रह सकता है। बालदिनी जॉन को यह भी बताता है कि 13वें प्रकार की खुशबू भी होती है, लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं खोज पाया है। एक बार इजिप्ट में एक पुराने मकबरे में एक परफ्यूम की बोतल मिली थी, जिसे खोलने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे वह सभी स्वर्ग में हो, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी उस 13वीं खुशबू को नहीं बना पाया है। उसके बाद जॉन बालदिनी से पूछता है कि वह किसी खुशबू को हमेशा के लिए संरक्षित कैसे रख सकता है, तो बालदिनी उसे अपने परफ्यूम बनाने के सारे औजार दिखाता है। फिर एक दिन जॉन अलग अलग चीजों से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस मशीन से उनकी खुशबू नहीं निकाल पाता है। यहाँ तक कि जॉन बालदिनी की बिल्ली की भी खुशबू को अलग करने की कोशिश करता है। बालदिनी जॉन को बताता है कि वह किसी इंसान या जीवित वस्तु से उसकी खुशबू को अलग नहीं कर सकता है। यह सुनकर जॉन बहुत ही निराश हो जाता है और वह बुरी तरह से बीमार हो जाता है। फिर जॉन बालदिनी से पूछता है कि क्या वह किसी की खुशबू को उससे अलग किए बिना संरक्षित रख सकता है। बालदिनी जॉन को बताता है कि इसके लिए उसे ग्रासो शहर में जाना होगा। यह सुनने के बाद एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। बालदिनी जॉन की यात्रा के सारे कागज तैयार करवा देता है और बदले में जॉन उसे 100 तरह के परफ्यूम बनाने के फॉर्मूले बता देता है। अगले दिन ग्रासो शहर के लिए जॉन निकल जाता है और बालदिनी के साथ वही होता है जो जॉन के पुराने मालिकों के साथ हुआ था। बालदिनी की भी उसी दिन मौत हो जाती है। जॉन जंगलों और पहाड़ों से होते हुए ग्रासो शहर के लिए चलता रहता है। फिर एक दिन वह एक ऐसी गुफा में पहुंचता है जहां उसे किसी चीज की कोई खुशबू नहीं आती है। उस दिन वह वहां अपने शरीर को छूने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसके शरीर में कोई खुशबू नहीं होती है। यह बात जानकर वह बहुत ही निराश हो जाता है और उसे लगता है कि जब उसके अंदर कोई खुशबू ही नहीं है तो इस दुनिया में दूसरों की नजरों में उसका कोई वजूद भी नहीं है। यह जानने के बाद जॉन निश्चय करता है कि वह इस दुनिया में अपना एक ऐसा वजूद बनाएगा जिसे हर कोई याद रखे, और ऐसा सोचकर वह ग्रासो शहर की ओर चल पड़ता है। शहर में पहुंचते ही उसे फिर से वैसे ही खुशबू आती है जैसे उसे उस फल वाली लड़की से आई थी। यह खुशबू गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की से आ रही होती है। जॉन उस गाड़ी का पीछा करता है और वह गाड़ी आखिर में एक बड़े से घर के अंदर चली जाती है। यह घर शहर के एक अमीर आदमी एंटोनिया का होता है और वह लड़की उसकी बेटी लोरा होती है। लोरा बहुत ही खूबसूरत होती है।
जॉन ग्रासो शहर में अनुरफी नाम की महिला के यहाँ परफ्यूम बनाने का काम शुरू करता है। उनके पास फूलों की खुशबू निकालने की एक अलग मशीन होती है। एक दिन जॉन एक लड़की को मार देता है और उसे लाकर खुशबू निकालने वाली मशीन में डाल देता है, लेकिन उसका यह प्रयोग भी फेल हो जाता है और वह इस मशीन से भी उस लड़की की खुशबू को अलग नहीं कर पाता है। फिर वह अगले दिन एक दूसरी लड़की के पास जाता है जो फीमेल एस्कॉर्ट होती है। जॉन उसे मारकर उसके पूरे बॉडी पर चर्बी लगा देता है और फिर कुछ देर बाद उस चर्बी को वापस इकट्ठा कर लेता है। वह उस चर्बी को लाकर अपने खुशबू निकालने वाले यंत्रों से उसकी खुशबू निकालता है और इस बार उसका प्रयोग सफल हो जाता है। इससे वह बहुत ही खुश होता है। फिर वह एक बॉक्स तैयार करता है जिसमें वह 13 खाली कांच की शीशी रखता है। अगले दिन लौरा का जन्मदिन होता है। लौरा केक काटने के बाद अपने दोस्तों के साथ लुक्का छुपी खेलने लगती है। जॉन भी चुपचाप वहां पहुंच जाता है और वह लौरा को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन लौरा बच जाती है। गेम खत्म होने के बाद पता चलता है कि लौरा की दो दोस्त गायब हो गई हैं। असल में जॉन ने ही उन दोनों को किडनैप कर लिया था और वह उन दोनों को मारकर उनकी खुशबू को संरक्षित करके शीशी में भर लेता है। अब जॉन एक एक करके शहर से लड़कियों को किडनैप करता है और उनकी खुशबू को संरक्षित करके अपनी शीशियों में भरने लगता है। खुशबू को निकालने के बाद जॉन लड़कियों की बॉडी को शहर में ऐसे ही पटक देता है जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। शहर के लोग डरने लगते हैं और अपने घरों पर ताला लगा देते हैं। फिर हमें लौरा के पिता एंटोनियो को दिखाया जाता है जो अमीर होने के साथ साथ इस शहर का एक माना हुआ इज्जतदार आदमी भी होता है। वह सबको बताता है कि जिन लड़कियों का मर्डर हुआ है वह सभी कुंवारी थी और उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि कातिल उनका मर्डर किसी खास वजह से कर रहा है। दूसरी तरफ अब जॉन के पास 12 तरह की खुशबू होती हैं। वह उन 12 खुशबू को एक बोतल में डालकर एक परफ्यूम बनाता है। शहर के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसलिए सब लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और बताता है कि कातिल को पकड़ लिया गया है और उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है। असल में जिस कातिल को पकड़ा गया था वह जॉन नहीं होता है। एंटोनियो को अब भी शक होता है कि जिस आदमी को पकड़ा गया है वह असली कातिल नहीं है। उसे अपनी बेटी लौरा की बहुत ही ज्यादा चिंता होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर वहां से पेरिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जॉन को उसकी खुशबू का पता चल जाता है कि वह शहर से बाहर जा रही है और वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ शहर में एक कुत्ता जॉन के कमरे में कुछ कपड़े और बालों को बाहर निकाल लेता है। असल में यह कुत्ता उनमें से एक महिला का होता है जिन्हें जॉन ने मारा था। अब पूरे शहर में पता चल जाता है कि असली कातिल जॉन ही है। एंटोनियो अपनी बेटी के साथ एक होटल में ठहरता है और वह अपनी बेटी के कमरे की चाबी को अपने पास ही रखता है। रात होने पर जॉन उस होटल में पहुंच जाता है और वह एंटोनियो के कमरे से चाबी लेकर लौरा के कमरे में पहुंच जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जॉन एक नई खुशबू को निकालकर अपनी परफ्यूम की बोतल में डाल रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि जॉन ने लौरा के शरीर से भी खुशबू को निकाल लिया है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर हमें कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां जॉन की फांसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए हैं। जब गार्ड जॉन को लेने के लिए जाते हैं तो वह उस परफ्यूम की बोतल को खोल देता है। फिर जॉन को सबके सामने लाया जाता है। जैसे ही जॉन गाड़ी से उतरता है वहां मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि वह गुनहगार नहीं हो सकता है। असल में जॉन ने वह परफ्यूम लगा रखा होता है और सभी लोग उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो चुके होते हैं। उसके बाद जॉन अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और उसमें परफ्यूम लगाकर उसे हवा में बिखेर देता है।
वहाँ मौजूद सब लोग उसे एंजल बुलाने लगते हैं और सभी लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तभी लोरा का पिता एंटोनियो जॉन को मारने के लिए वहाँ आता है, लेकिन उसके पास आते ही वह भी उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद जॉन को उस फल वाली लड़की की याद आने लगती है और वह इस बात को महसूस करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अगर उसने उसे नहीं मारा होता तो शायद वह उसके साथ रह पाता और उसे प्यार कर पाता। इसके बाद जब सब लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं तो जॉन वहां से चला जाता है। अगले दिन शहर में उन सभी लड़कियों के मर्डर के लिए नए सिरे से जांच शुरू की जाती है और इसके लिए जॉन के साथ काम करने वाले एक आदमी को दोषी माना जाता है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। दूसरी तरफ जॉन वहां से उसी मछली बाजार में जाता है जहां उसका जन्म हुआ था और वहां जाकर वह उस परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर उड़ेल लेता है। उसकी गंध से वहां मौजूद सब लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं और उसकी बोटी बोटी नोच कर उसे मार डालते हैं और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।